1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर रही होंगी, तो असल में वो वित्त मंत्रालय की एक लंबी चौड़ी टीम के महीनों की मेहनत को पढ़ रही होंगी। टीम जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के 6 बड़े अफसर। कौन है वो अफसर जो असल में बनाते हैं देश का बजट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टीवी सोमनाथन, वित्त और व्यय सचिव। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और वित्त सचिव के रूप में बजट की तैयारी का नेतृत्व टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं ने सोमनाथ के कार्य को जटिल बना दिया है, क्योंकि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि बजट किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हो। एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश के आने वाले वित्तीय वर्ष में भी मुख्य आधार बने रहने की संभावना है। उनकी देखरेख में स्थापित नई व्यय प्रबंधन प्रणाली ने केंद्र के संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति दी है, जिससे सिस्टम में फंड फ्लॉट कम हो गया है। इसका फायदा पूरी तरह FY24 में दिखेगा। दूसरे हैं संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा पिछले साल अक्टूबर में राजस्व विभाग में शामिल हुए थे। उनके पास एक कठिन काम है कि चुनाव से पहले इस महंगाई के बीच टैक्स में राहत देना। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे मल्होत्रा टैक्स रैशनलाइजेशन और प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरे हैं वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य वी अनंत नागेश्वरन को FY23 बजट से कुछ दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्रेडिट स्विस ग्रुप AG के जूलियस बेयर ग्रुप के पूर्व एग्जीक्यूटिव नागेश्वरन पर आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के अनेक आकलन के लिए देखा जाएगा, जो बजट और नीतिगत निर्देशों से पहले होता है। निजी निवेश को किक स्टार्ट करने के उपायों के लिए नागेश्वरन के बजट फुटप्रिंट को उत्सुकता से देखा जाएगा। तुहिन कांता पांडे, सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। तुहिन कांता पांडे 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। पांडे ने एयर इंडिया के निजीकरण और LIC की शेयर मार्केट में लिस्टिंग में अहम भूमिका निभाई है। अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग। 1987 के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अजय सेठ ने अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। भारत की जो 20 अध्यक्षता के साथ बजट में सेठ की भूमिका को व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए विकास आवेगों के लिए उत्सुकता से देखा जाएगा। विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग। हरियाणा कैडर के 1979 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी से सरकार द्वारा संचालित वित्तीय संस्थानों के लिए सरकार के सुधार एजेंडों को जारी रखने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक मजबूत वसूली की है। बता दें कि 12 राज्य संचालित कर्जदाताओं ने सितंबर तिमाही में संयुक्त शुद्ध लाभ में 50% की वृद्धि के साथ 25,685 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। आगामी बजट में बैंकिंग संशोधन अधिनियम भी शामिल हो सकता है, जिससे और अधिक निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक और बैच के 3 IAS अजय सेठ, तुहिन कांता पांडे और टीवी सोमनाथन, तीनों IAS एक ही बैच यानी 1987 बैच के ऑफिसर हैं। हालांकि तीनों का कैडर अलग है। टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर, अजय सेठ कर्नाटक कैडर और तुहिन कांता पांडे उड़ीसा बैच के IAS ऑफिसर हैं। निर्मला सीतारमण की इस टीम पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और बजट से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।